गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो RWS गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है गाइस। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन टॉप 10 मैं लेकर आता हूँ आपके लिए हर रोज सुबह 6 बजे। हमारी जीके की क्लास आपको मिल जाती है। तो गाइस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि किस हार्मोन्स को पैदा करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, थाइमोसिन। जो थाइमोसिन ग्रंथि है वो जो है इसको पैदा करती है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट का नियमित करता है, जो इन्हें नियमित करता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा परावत हार्मोन, जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन का उदाहरण है, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोक्सिन एक हार्मोन का उदाहरण है, जो कि एग्जाम में कई बार देखने को मिला है ये क्वेश्चन, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एंट्री डाई, जो एंट्री डाई हार्मोन है वो कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैसोप्रोसिन, जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है, यानी प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है, जो क्या है? एक ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो आश्रु ग्रंथि आपकी कहाँ स्थित होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्र गुहा में स्थित होती है। गाइज, मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, यदि आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है यदि आप हमें कमेंट करते हैं। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोबिमियन जो ग्रंथि है किस में स्थित है, कहाँ पे स्थित है मोबिमियन ग्रंथि? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, यह ग्रंथि जो है आंख में स्थित है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपायियों में सफेद ग्रंथियां जो है मॉल में संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप नियमन से संबंधित है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार आ चुका है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जो मादा हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक आपका मादा हार्मोन है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आप इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप मुझे यहां पे बताएं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे यहां पे इस क्वेश्चन का पहले कमेंट करें, मैं उसके बाद आंसर बताऊंगा आपको। आपको 5 सेकंड का समय मिलता है, तो आप इसका आंसर मुझे जरूर दें। तो गाइज, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटॉक्सिन। आपको पता होगा दूसरे संबंधित, ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूं मैं। तो गाइज, ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।